जो है सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। इंडियन आर्मी है तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारा सीमा जो है वो सुरक्षित है। आज आज बैठक हुई महागठबंधन के तमाम विधायक दल की, उसमें क्या क्या असर हुआ, कैसे चलेगी कार्रवाई? 5 दिन का सत्र है, आज एक दिन खत्म हो गया, बाकी का 4 दिन है। विधेयक वगैरह आना है, जो महत्वपूर्ण विधेयक वगैरह है कैबिनेट से हम लोगों ने पास किया है, उसमें ले किया जाएगा उसको हम लोग। बीजेपी का यह सदन नहीं चलने देंगे, सदन नहीं चलने देंगे इस बार हम लोग। बीजेपी का यह सदन नहीं चलने देंगे, रोजगार नौकरी नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है। कहाँ नहीं दिया जा रहा है, बोल रहे हैं बीजेपी की नौकरी, वो अपना ही बता रहे हैं क्या, वो अपना क्या बता रहे हैं? यहाँ तो नियुक्ति पत्र आज भी हम लोग जा रहे हैं बांटने, सदन और आगे आने वाले समय में लगातार बहाली निकलने वाले, सदन चलेगा सब है ठीक है चलेगा। लालू जी की तबीयत कैसी है अभी? बढ़िया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके बाद अब आप ही को देखना है, उन्होंने कहा कि आप ही देखें, आप ही तो हम लोग मिल करके देख रहे हैं सब लोग, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। चुनौती हम लोगों के सामने 24 की है, चुनौती का सामना करना है 24 के लिए, आगे आगे के बाद आगे है। 24 के लिए जेडीयू ने जारी किया कैलेंडर जो है सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। इंडियन आर्मी है तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारा सीमा जो है वो सुरक्षित है। आज आज बैठक हुई महागठबंधन के तमाम विधायक दल की, उसमें क्या क्या असर हुआ, कैसे चलेगी कार्रवाई? 5 दिन का सत्र है, आज एक दिन खत्म हो गया, बाकी का 4 दिन है। विधेयक वगैरह आना है, जो महत्वपूर्ण विधेयक वगैरह है कैबिनेट से हम लोगों ने पास किया है, उसमें ले किया जाएगा उसको हम लोग। बीजेपी का यह सदन नहीं चलने देंगे, सदन नहीं चलने देंगे इस बार हम लोग। बीजेपी का यह सदन नहीं चलने देंगे, रोजगार नौकरी नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है। कहाँ नहीं दिया जा रहा है, बोल रहे हैं बीजेपी की नौकरी, वो अपना ही बता रहे हैं क्या, वो अपना क्या बता रहे हैं? यहाँ तो नियुक्ति पत्र आज भी हम लोग जा रहे हैं बांटने, सदन और आगे आने वाले समय में लगातार बहाली निकलने वाले, सदन चलेगा सब है ठीक है चलेगा। लालू जी की तबीयत कैसी है अभी? बढ़िया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके बाद अब आप ही को देखना है, उन्होंने कहा कि आप ही देखें, आप ही तो हम लोग मिल करके देख रहे हैं सब लोग, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। चुनौती हम लोगों के सामने 24 की है, चुनौती का सामना करना है 24 के लिए, आगे आगे के बाद आगे है। 24 के लिए जेडीयू ने जारी किया कैलेंडर जो है सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। इंडियन आर्मी है तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारा सीमा जो है वो सुरक्षित है। आज आज बैठक हुई महागठबंधन के तमाम विधायक दल की, उसमें क्या क्या असर हुआ, कैसे चलेगी कार्रवाई? 5 दिन का सत्र है, आज एक दिन खत्म हो गया, बाकी का 4 दिन है। विधेयक वगैरह आना है, जो महत्वपूर्ण विधेयक वगैरह है कैबिनेट से हम लोगों ने पास किया है, उसमें ले किया जाएगा उसको हम लोग। बीजेपी का यह सदन नहीं चलने देंगे, सदन नहीं चलने देंगे इस बार हम लोग। बीजेपी का यह सदन नहीं चलने देंगे, रोजगार नौकरी नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है। कहाँ नहीं दिया जा रहा है, बोल रहे हैं बीजेपी की नौकरी, वो अपना ही बता रहे हैं क्या, वो अपना क्या बता रहे हैं? यहाँ तो नियुक्ति पत्र आज भी हम लोग जा रहे हैं बांटने, सदन और आगे आने वाले समय में लगातार बहाली निकलने वाले, सदन चलेगा सब है ठीक है चलेगा। लालू जी की तबीयत कैसी है अभी? बढ़िया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके बाद अब आप ही को देखना है, उन्होंने कहा कि आप ही देखें, आप ही तो हम लोग मिल करके देख रहे हैं सब लोग, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। चुनौती हम लोगों के सामने 24 की है, चुनौती का सामना करना है 24 के लिए, आगे आगे के बाद आगे है। 24 के लिए जेडीयू ने जारी किया कैलेंडर।